हेलो मेरे बच्चों। तो अब हमने क्या किया है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 करने के बाद, न्यू बुक के अकॉर्डिंग है ना, ये चार एक्सरसाइजेस करने के बाद अब हम फिफ्थ एक्सरसाइज पर आ रहे हैं, जो कि हमारी मेन एक्सरसाइज है, जहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्मली आना ही आना है आपका। ठीक है, यूटी में भी, हाफ ईयरली में भी, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी, है ना, चार बार आना है। अब आप देख लो, करना पड़ेगा ना, तो कम से कम चार बार प्रैक्टिस कर लेना इस एक्सरसाइज की अच्छे से बिल्कुल। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है, कैसे हम करते हैं, तो पूरा एक एक चीज मैं आपको बता के चल रहा हूँ इस एक्सरसाइज की। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमें क्या होता है, क्या दिया होता है स्पेशली, वो दो इक्वेशन देता है बेटा हमें। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन देगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल सी करके, तो 1 1 1, और दूसरी वाली को 2 2 2 मान लेंगे। उसके बाद क्या होगा बेटा, जो हमारे एक्स और वाई के कोफिशियंट होंगे उनसे मिला करके एक मैट्रिक्स मानते हैं हम ए, यानी इनके कोफिशियंट ए वन बी वन ए टू बी टू, ये आ गई आपकी। और एक्स होती है वेरिएबल्स वाली, जो कि कॉलम मैट्रिक्स में इलेक्ट करते हैं हम हमेशा, और बी आपकी मैट्रिक्स होती है सामने वाले जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, उनको लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स में ही हमेशा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि आप देखेंगे ए की एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने बी आएगा, तो ये देखिएगा हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी, या एक्स इक्वल्स टू उधर जाकर ए इनवर्स हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये हमें यहां तक का याद होना चाहिए, यही हमारी कॉन्सेप्ट रहेगी। इसमें हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी, स्पेशली आपकी ए इनवर्स की, है ना। अभी दो वाले में बताया, अभी मैं तीन वाले में बताता हूँ, फिर मैं करके भी दिखाऊंगा सब आपको। तो देखिएगा तीन वाले में, तीन वाले में क्या बेटा आपका, ये ए वन एक्स बी वन वाई, और बेटा आपका सी वन जेड, और इक्वल्स टू में बेटा आपका डी वन। इसी तरह से ए टू एक्स बी टू वाई सी टू जेड, इक्वल्स टू में बेटा आपका डी टू। और मेरे बच्चों ए थ्री एक्स बी थ्री वाई और सी थ्री जेड, और इक्वल्स टू में बेटा आपका डी थ्री। ये आपको इसमें कितनी इक्वेशन देगा, तीन वेरिएबल्स में तीन इक्वेशन देगा, है ना, आपको पता भी होना चाहिए। अगर वेरिएबल्स तीन है तो इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, हमारे तीन होनी चाहिए, तभी जाकर सॉल्व होंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं होती है। तो यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस चलने वाले हैं बेटा, क्या लेट करेंगे हम इसमें, लेट करेंगे लेट ए इक्वल्स टू, तो वेरिएबल्स के जो कोफिशियंट है उनसे, तो क्या है ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, और बेटा आपका ए थ्री बी थ्री और सी थ्री, है ना। और जबकि एक्स इक्वल क्या होगा आपका, जो वेरिएबल्स हैं उनकी कॉलम मैट्रिक्स, तो वेरिएबल्स क्या है एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड आ जाएगा आपका। और बेटा बी, बी क्या आपका सामने वाली जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है, यानी कि क्या आपका डी वन डी टू और डी थ्री, तो ये तीन मैट्रिक्स आप लेट कर लेते हैं। सबसे पहले तरीका हो जाएगा, ए की एक्स से इंटू करेंगे तो क्या आएगा सामने आपका बेटा बी आएगा, या आप कह सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा ए इनवर्स ऑफ बी, ये रहता है। ठीक है, अब हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि कुछ इक्वेशन सॉल्व होती है कुछ नहीं होती है, आपको याद होगा तीन चीजें होती थी कंसिस्टेंटी और इनकंसिस्टेंसी में। क्या होता था आपका, सबसे पहले एक यूनिक सोल्यूशन वाला आता था जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, दूसरे वाले में आपका कौन सी होती थी कॉइंसिडेंट लाइंस होती थी जो एक के ऊपर एक होती थी, उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे, और एक होती थी आपकी पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन वो जो होती थी उसमें सॉल्यूशन कितने होते थे, हाँ जी 9 सॉल्यूशन। तो वही चीज आपका यहाँ पर होता है, यूनिक सॉल्यूशन और आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और कितना होता है बेटा आपका, हाँ जी कितना होता है 9 सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर ये डिसाइड कौन करता है, ये तो आपको बताया ना, तीन मैट्रिक्स अभी मैंने पीछे पढ़ाई है आपको, ए और क्या था हमारा बेटा एक्स, और क्या थी बी, तो इससे आप वाकिफ हैं क्या, हाँ जी तीन चीजें आप पढ़ा चुके हैं सर हमें, ए क्या था एक्स क्या था और बी क्या था, ये कौन कौन सी मैट्रिक्स थी, है ना। तो अब देखिएगा बच्चे, ए का डिटरमिनेंट फाइन करते हैं सबसे पहले हम, और डिटरमिनेंट अगर आपका क्या आ रहा है, देखिएगा अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन, जो सॉल्व करने के लिए देता है वो यही वाला केस देता है, जो सॉल्व करने के लिए देता है वो यही वाला केस देता है, लेकिन चेक करने के लिए तो दोनों में से कुछ भी दे सकता है ना, तो इसलिए हमें अलर्ट रहना है कि अगर आपका ये नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है आपका, क्या डिटरमिनेंट एक ही वैल्यू, अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रही है तो 100% वो कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन अगर क्या आपका ये जीरो आ रहा है, अगर ये जीरो आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आगे भी हमें करना पड़ेगा चेक, क्या एडजॉइंट ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे उसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी से, अगर वो जीरो आए तो कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, जो कि निकालने के लिए नहीं देता आपको, ठीक है, बट चेक करने के लिए दे सकता है।
वही चीज यहाँ पर है आपका एडजोइंट ए इंटू बी करेंगे, अगर वो नॉट इक्वल जीरो आ रहे तो फिर क्या लिखेंगे हम इसको कि ये नो सॉल्यूशन है, यानी कि क्या आपका इनकंसिस्टेंट है। तो ध्यान रखना, फर्स्टली मैंने आपको क्या बताया कि भाई डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे अगर उसकी वैल्यू जीरो नहीं आती तो फिर आपका इन सॉल्यूशन है, अगर जीरो आती तो आगे सेकंडली कुछ चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा एडजोइंट ए इंटू बी की वैल्यू, अगर जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर जीरो नहीं है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन आप अच्छे से बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं हम बेटा, अब इसके क्वेश्चन अप्लाई कराता हूं मैं आपके। एग्जामाइन दी कंसिस्टेंसी ऑफ दी क्या बेटा आपका यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1-6, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैंने अपने पास से लिया, जिससे कि तीनों कंडीशन को मैं आपको समझा सकूं, है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, सिर्फ चेक ही तो करना है, तो चेक करना है तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, फर्स्ट वाले में ए ए को आप क्या लेट करेंगे बेटा इसमें 1-2 एक्स और वाई के क्वेश्चन और 2 और 3, और आपने क्या करना है सबसे पहले ये निकालना है बेटा। तो आप क्या करेंगे 1-2 और बेटा 2-3, तो क्या किया आपने बच्चे 1-3 3 और -2 2 4 देन -1 आ रहा है। तो अगर इसकी वैल्यू -1 आ गई है इसका मतलब ये जीरो के इक्वल है क्या, नहीं, और जब ये जीरो के इक्वल नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, हाँ जी कंसिस्टेंट है, क्या है बेटा आपका ये कंसिस्टेंट है, और कौन सा वाला कंसिस्टेंट है वैसे बेटा आपका ये यूनिक सॉल्यूशन, कौन सा है आपका बेटा यूनिक सॉल्यूशन वाला, तो आपने ये बड़े आराम से बता दिया। ठीक है, अब आप देखिएगा नेक्स्ट इसमें जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन पे नजर डालेंगे और क्या लिखे बेटा आपका ए ए इक्वल क्या लेट करेंगे इसमें हम 1-3 एक्स और वाई के क्वेश्चन और यहाँ पर क्या बेटा आपका 2 और 6 बच्चे, तो आपने क्या निकाला ए निकाला ए का डिटरमिनेंट, तो क्या आएगा आपका 1-6 6 और -2 3 6, तो 0 आ गया बेटा। तो जब हमारा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमें फिर किसकी जरूरत होती है, एडजॉइंट ए इनटू बी निकालने की जरूरत होती है ना। तो पहली बात तो यार बी भी पता होना चाहिए हमें, तो बी यहीं कहीं निकाल लेते हैं। तो बी बी क्या है बेटा आपका, आपको पता है कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स होती है आपकी, इससे जो बनता है ये बी होता है, बी आ गया। अब एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए तो हम बेटा किसमें निकाल सकते हैं, शॉर्टकट से निकाल सकते हैं ना। तो क्या बताया था एडजॉइंट ए शॉर्टकट से, कि इनको क्या करते हैं बेटा इंटरचेंज 6 और यहाँ 1, और इनको क्या करते हैं साइन चेंज, ये आ गया आपका। अब आपने करना क्या है, वैल्यू किसकी चाहिए आपको एडजॉइंट ए और इनटू में किसकी चाहिए बेटा बी की वैल्यू चाहिए, तो एडजॉइंट ए आपका ये रहा। ठीक है, इसका भी साइन चेंज होगा, ये भी माइनस आना है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर ये 1 एडजॉइंट ए आ गया और इनटू में बी, बी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 5 और 8। अब आप इनको क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, क्या कर रहे हैं हम इसको 6 5 6 5 कितना बेटा आपका 30 और यहाँ पर -3 8 कितना बेटा आपका 24 -2 5 10 और +8, तो यहाँ देखिए बेटा ये कितना आ रहा है, इसमें से गया कितना बचा बेटा 6 और ये आपका -2 और ये बेटा 0 के इक्वल नहीं है, यानी ओ नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो जब कंडीशन क्या आती है कि भैया ये तो आपका 0 आ गया है ना, और जबकि क्या है बेटा आपका एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए इंटू में बी 0 नहीं आया है, तो इस कंडीशन में क्या था बेटा आपका ये वाला होता था इनकंसिस्टेंट, कौन सा वाला था बेटा आपका ये इनकंसिस्टेंट, समझ गए। और इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप इसमें बेटा नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी सेकंड कंडीशन में समझा दिया, यूनिक सॉल्यूशन वाली भी और ये आपकी आ गई। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने अपने पास से लिया समझाने के लिए आपको सिर्फ, तो ध्यान से देखिएगा प्लीज इसको, कि यहाँ पर क्या करने वाला हूं मैं। देखिए बच्चे यहाँ पर मैंने ए ए लिया, तो ए की वैल्यू कितनी बेटा 1 1 और ये कितनी आपकी 2 2। ओके, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया मैंने, तो कितना आ रहा है 1 2 2 -2, तो 0 आ गया। तो जब ये 0 आ जाता है तो फिर मुझे बी की भी जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर बी लिया मैंने कितना 10 है और ये बेटा आपका 20 है, और इसके साथ साथ आपने एडजॉइंट ए भी फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए के लिए तो शॉर्टकट होता है ना, इनको क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं यानी 2 और 1 और इनके साइन चेंज करते हैं यानी -2 -1, और उसके बाद हमें निकालना क्या होता है बेटा एडजॉइंट ए और इनटू में क्या निकालना होता है बी। तो देखिएगा एडजॉइंट ए आपका ये रहा बेटा और इनटू में बी, बी की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी 10 और 20। अब वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ बच्चे में, तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 20 और माइनस का 20, और यहाँ देखिएगा -20 और +20,
ये आपका आ गया बेटा जीरो जीरो, यानी ये नल मैट्रिक्स जीरो आ गया आपका बेटा ओ। तो जब ये आपका मैंने बताया था ना कि क्या बेटा आपका डिटरमिनेंट ए भी जीरो है और साथ में क्या बेटा आपका एडजॉइंट ए इंटू में बी ये वैल्यू भी आपकी जीरो है, देन क्या लिखेंगे हम इसमें बेटा, ये कंसिस्टेंट ही होगा। क्या होगा, ये आपका कंसिस्टेंट होगा, लेकिन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूँ आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख देता हूँ। आ गया बेटा आपके ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये निकलवाता कभी नहीं है ना, निकलवाता है यूनिक सॉल्यूशन वाला ही आपका। तो मैंने तीनों कंडीशंस आपको चेक करने सिखा दी है, अब हम करते हैं सॉल्व करना सीखते हैं बेटा, जो सॉल्व करने के लिए देता है ना डायरेक्टली, तो अब हम उस पर जाते हैं। तो आप देखिएगा सॉल्व करने के लिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या लिखा हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से, तो आप देखिएगा इसमें बेटा मैट्रिक्स मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। देखिए इसमें क्या लिखा है आपका बेटा ए, अगर ए की बात करूं मैं बेटा तो मेरा ए क्या होगा, तो ए क्या होगा भाई 5 7 और क्या होगा 2 3, जबकि एक्स हमने बता रखा है आपको एक्स और वाई वेरिएबल्स वाला, और बेटा बी, बी क्या होगा आपका बेटा 4 और 5, ये 4 और ये आपका 5। आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्टली मैंने करना क्या होता है बेटा इसमें कि भाई ए एक्स इक्वल्स टू बी, यानी कि एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए बी। अब ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए मुझे, आपको पता है ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ए कितना आएगा, 5 3 15 और ये 7 2 14, तो कितना है आपका ओनली 1। अब एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट हम क्या चल रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू में बी, है ना बच्चे, ध्यान से देखिएगा ए इनवर्स इंटू में बी। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। अब आप देखिएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 1, और एडजॉइंट ए हमें डायरेक्ट निकालना आता है, क्या करेंगे इनको इंटरचेंज 3 और 5 को, और जबकि इनके साइन चेंज करेंगे, यानी कि -7 -2 और इंटू में बी, बी कितना है बच्चा आपका 4 और 5, और इधर एक्स चल ही रहा है। तो अब देखिएगा इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि क्या है आपका, लेफ्ट में एक्स है ना, एक्स का मतलब क्या है आपका बेटा एक्स और वाई, और सामने आप देखिएगा ये देखिए 3 4 12 आ गया बेटा आपका, और -2 5 10 आ गया आपका, देखिएगा -7 4 28 आ गया, और 5 5 25 आ गया। तो कुल मिलाकर के बेटा एक्स वाई और यहां पर क्या है बेटा आपका ये 2, और ये कितना बचा बेटा आपका -3, देन एक्स इक्वल्स 2, और जबकि वाई इक्वल कितना आ रहा है बेटा आपका वाई इक्वल -3। और एक बार ना पुट भी करके देख लेते हैं बेटा इसको ना, ओवरली चेक कर लेते हैं, ओवरली चेक कर लेते हैं, है ना। तो आप देखिएगा x इक्वल टू फर्स्ट वाले में देखो 5 2 10, और ये 3 माइनस का रख रहा हूँ यहाँ पर, तो -6 10 -6 4 आ रहा है, इसका मतलब सही है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये मैंने अभी 2 into 2 वाला सिखाया आपको, मैंने इसमें शॉर्टकट भी कैसे लगाते हैं वो भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन पर जो आते हैं आपके 3 into 3 वाले में। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है बेटा, अब इसको हम कैसे करेंगे इसको अच्छे से समझना है हमने। ठीक है, तो आपने लेट कर लिया इसमें बेटा, हम लेट क्या कर लेंगे इसमें बेटा, सबसे पहले ए, तो एक कौन है क्या इसमें एक्चुअली, तो 1 -1 1 1 -1 1, तो बेटा आपका देखिएगा नीचे 2 1 -3, क्या बेटा आपका ये 2 1 और माइनस का 3, और यहाँ पर बेटा 1 1 1, ये आपका 1 1 1 आ गया आपका, और x इक्वल आपको पता ही है कि क्या एक्स वाई और बेटा आपका जेड, क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, और b b इक्वल आपका कांस्टेंट जो भी दे रखा है, क्या दे रखा है आपको उसने 4 0 2, तो 4 0 2 ये आपने लेट कर लिया। अब हमें पता है, हम जानते हैं कि a इनवर्स निकालते हैं, अब a इनवर्स के लिए एडजॉइंट a तो चाहिए ना, और एडजॉइंट मैंने आपको निकालने सिखाया ना, 3 into 3 वाले के लिए कोई शॉर्टकट हम अप्लाई नहीं कर सकते, सीबीएसई बोर्ड में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2 into 2 वाले में क्या आपका वैलिड है, लेकिन इसमें इनवैलिड हो जाता है आपका शॉर्टकट कोई सा भी, तो अगर आपने कोई कहीं से सीखा है कुछ भी, ठीक है, तो उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा, बेसिक से करेंगे हम इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, सभी के क्या निकालेंगे हम बेटा, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे सभी के। तो देखिएगा सभी के कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको याद आ गया होगा 1 1, तो प्लस आएगा, है ना, 1 1, इनका सम कितना है 2। देखिएगा इसको हाइड करूंगा बेटा, तो 1 1 1 और माइनस आना था, लेकिन माइनस माइनस प्लस 3,
तो बेटा कितना है आपका ये 4, A12 तो माइनस आना है क्योंकि इनका सम कितना है ऑड, और इसको हाइड कर लिया बेटा तो 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस 3 तो किसका आया बेटा माइनस का 5 और A13 में हम क्या करेंगे बेटा इसको हाइड करेंगे तो 2 1 2 -1 तो क्या आ रहा है आपका 2 -1 तो कितना आ रहा है बेटा आपका 1। अब आप देखिएगा बेटा A21 तो क्या आना है माइनस आना है आपको पता होना चाहिए तो A21 में बेटा इस वाले को हाइड करेंगे है ना तो क्या आ रहा है आपका बेटा -1 और क्या आएगा आपका -1 तो माइनस का 2 लेकिन बाहर है तो +2 आ गया और A22 तो प्लस आना है आपको पता है ये बीच वाला हाइड होगा तो 1 -1 कितना आ रहा है बेटा आपका 0 आ रहा है और A23 बेटा आपका तो माइनस आना है क्योंकि सम कितना है 5 है तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये 1 और माइनस माइनस प्लस 1 तो 1 + 1 तो कितना आ रहा है आपका माइनस का 2 आ रहा है। अब देखिएगा A31 तो किसका बेटा प्लस का आना है इसको हाइड कर लिया आपने तो क्या आ रहा है 3 - 1 तो कितना है बेटा आपका ये 2 और A32 तो अब आप देखिएगा A32 में इसको हाइड कर लिया बेटा मैंने तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस 3 और माइनस 2 तो कितना आ रहा है बेटा प्लस का 5 आ रहा है और A33 देखिएगा इसको हाइड कर लिया आपने तो 1 + 2 तो कितना आ रहा है बेटा आपका प्लस का 3 आ रहा है। ये आपने सारे के सारे क्या निकाल लिए कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए ठीक है बच्चे। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमें डिटरमिनेंट तय निकालने के लिए मैंने क्या बताया था इसमें शॉर्टकट कि क्या कर लेंगे फेस वन जिम डेलाइन सीधा से करेंगे। याद दिला देता हूँ देखो A11 तो A11 A12 तो A12 और ये A13 और A13 यानी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं होती ये तो मैं आपको सिखाने के लिए लिखवा रहा हूँ सिर्फ ठीक है। तो देखिएगा A11 आपका क्या है 1 स्मॉल वाला और कैपिटल वाला कितना है बेटा आपका 4 और बेटा यहाँ कितना है माइनस का 1 स्मॉल वाला और ये कैपिटल वाला कितना है बेटा आपका माइनस का 5 और प्लस ये कितना आपका बेटा स्मॉल वाला 1 और ये कितना है 1 3 आप देखेंगे तो 1 3 कितना है बेटा आपका 1 देन ये आ कितना रहा है आप ध्यान से देखिएगा बेटा ये आपका 4 आ रहा है और ये माइनस माइनस प्लस 5 आ रहा है और बेटा वो प्लस 1 आ रहा है तो कितना हो गया आपका 10 हो गया। ये निकाल के आपने छोड़ दिया। अब आपको पता है कि x इज इक्वल्स टू क्या था बेटा आपका आप ध्यान से देखिएगा क्या था आपका इसमें कि भैया x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b और a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a एड जॉइंट ऑफ a इंटू में b तो यहां देखना बेटा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a 10 हो गया और भाई एड जॉइंट a कैसे निकालते थे जो कोफैक्टर्स हमको लिख दीजिए क्या है आपका बेटा ये 4 है तो 4 लिखा मैंने -5 है -5 लिखा 1 है तो 1 लिखा यहाँ देखिएगा क्या है बेटा आपका 2 है और ये कितना है बेटा आपका 0 और कितनी है वैल्यू -2 और यहाँ पर देखिएगा 2 5 और क्या है लास्ट वैल्यू बेटा आपकी 3 का होल डैश यानी कि क्या बेटा ट्रांसपोज इसको निकालने के लिए जो कोफैक्टर से आपकी मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज और इनटू में बी बी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी बी की वैल्यू आपकी 4 0 और 2। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा ट्रांसपोज लिख लीजिए इसका तो ट्रांसपोज कितना आ रहा है आप ध्यान से देखिएगा ये जो है आपका फर्स्ट रो इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया बेटा मैंने सेकंड रो है आपकी इसको सेकंड कॉलम में और थर्ड रो है बेटा आपकी इसको थर्ड कॉलम में और ये आपका 4 0 2 एज इट इज रहा। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो पूरे कंसंट्रेशन से देखेंगे बेटा देखिए एक्स का एक्स रहा बेटा अभी आपका 1 अपॉन 10 का 1 अपॉन 10 रहा यहाँ देखिएगा बेटा 4 4 16 बेटा और आगे 2 की 0 से तो 0 और 2 2 4 बेटा आपका देखिएगा -5 4 20 और ये 0 की 0 से तो बेटा 0 और ये 5 2 10 देखिएगा बेटा 1 4 4 और माइनस का 0 और प्लस का 6 तो कुल मिलाकर के बेटा आपका कितना आ रहा है आप देखिए आगे लिख लीजिए 1/10 आपका है इट इज और यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा आपका ये 20 और ये कितना आ रहा है माइनस का 10 और ये कितना आ रहा है बेटा आपका प्लस का 10। अब इस 10 से आगे डिवाइड कर दीजिए और एक्स की वैल्यू लिख दीजिए एक्स वाई और जेड तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे 10 से डिवाइड किए तो ये 2 ये -1 और ये 1 देन एक्स इक्वल बेटा आपका 2 आ रहा है
y इक्वल बेटा माइनस वन आ रहा है और बेटा z इक्वल क्या आ रहा है, प्लस का वन आ रहा है। और इसको अब एक बार चेक करेंगे और ले फटाफट, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल लो काफी है। टू को मैंने यहाँ देखो, यहाँ टू पुट किया, यहाँ पर माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन हो गया, टू और वन थ्री और वन फोर, तो फोर आपका आ रहा है, तो इसका मतलब सही है, हमने चेक भी कर लिया। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, वैसे कराने वाली अब कोई बात है नहीं, आप खुद कीजिएगा सारे क्वेश्चन, बट कोई नहीं बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप यहाँ देखिएगा बेटा, इसमें मैंने लेट कर लिया बेटा, एक्स ए इक्वल, तो ए इक्वल क्या आएगा बेटा आपका टू, और ये आपका थ्री, और ये आपका बेटा थ्री, और क्या है वन और माइनस टू और वन, और ये बेटा आपका थ्री और माइनस वन और माइनस टू, और x इक्वल हमें पता ही है, तीन वेरिएबल है तो क्या होगा आपका एक्स वाई जेड होगा, जबकि b इक्वल क्या होगा बेटा आपका, b इक्वल होगा फाइव माइनस वन और थ्री, और आपको सबसे पहले क्या कर लेना है बेटा a वन वन है ना, तो आप देखिएगा प्लस, इसको हाइड कर लिया तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका फोर, और ये माइनस माइनस प्लस वन आ रहा है, तो कितना होगा बेटा प्लस का फाइव, ए वन टू, तो कितना आ रहा है बाहर माइनस आएगा क्योंकि सम ऑड है, तो आप देखिए इसको हाइड कर लिया, माइनस टू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस थ्री, तो माइनस का फाइव, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस फाइव, और ए वन थ्री, ए वन थ्री में बेटा इसको हाइड कर लिया, तो कितना आ रहा है माइनस का वन, माइनस का वन, और माइनस माइनस प्लस का सिक्स, टू थ्री का सिक्स, तो कितना आया बेटा आपका प्लस का फाइव आ गया। इसी तरह देखिएगा बेटा ए टू वन, तो बाहर माइनस आना है, ए टू वन का बाहर माइनस आना है, ये माइनस आ गया, ये कितना है बेटा माइनस का सिक्स, और ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस थ्री, तो माइनस का थ्री, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का थ्री, और ए टू टू, तो आप देखिएगा माइनस का फोर और माइनस का नाइन, तो माइनस का थर्टीन आएगा बेटा आपका ये, और ए टू थ्री, ए टू थ्री में क्या आएगा बेटा आपका, इसमें पहली बात तो बाहर जाना है, माइनस आना है, और क्या आएगा बेटा इसको हाइड कर लेंगे, तो माइनस का टू और माइनस का नाइन, माइनस टू और माइनस नाइन, तो कितना बेटा माइनस इलेवन, लेकिन बाहर प्लस है तो प्लस इलेवन, और ये ए थ्री वन, तो ए थ्री वन में क्या होगा बेटा प्लस, ये आपने हाइड कर लिया, कितना आ रहा है बेटा आपका थ्री और माइनस माइनस प्लस सिक्स, तो कितना होगा बेटा नाइन, और ए थ्री टू, तो बाहर माइनस रहेगा, ध्यान से देखिएगा बाहर माइनस रहेगा, ये आपने हाइड कर लिया, तो टू और माइनस का थ्री, तो टू माइनस थ्री, माइनस वन आना है लेकिन प्लस वन हो जाएगा, और ए थ्री थ्री, तो आप देखिएगा ए थ्री थ्री में बेटा इसको हाइड कर लिया आपने, तो माइनस का टू और माइनस का थ्री कितना हो, माइनस का फाइव आ गया बेटा आपका। अब आप क्या करने वाले हैं, आपको बड़े अच्छे से पता है कि डिटर्मिनेंट एक ही वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट निकालूंगा अब मैं, टू की मल्टीप्लाई किससे होगी फाइव से, है ना भाई, और ये थ्री की मल्टीप्लाई किससे होगी आपकी, ये फाइव से, और बच्चे ये थ्री की मल्टीप्लाई किससे होगी, ये भी फाइव से, तो आप देखिएगा ये टेन, ये फिफ्टीन, ये फिफ्टीन, तो कितना बेटा आपका फोर्टी हो गया। अब आपको पता है कि भैया एक्स इक्वल होता क्या आपका, एक्स इक्वल आप जानते हैं कि एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में बी होता है, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और इंटू में क्या आपका बेटा एड जॉइंट ऑफ ए, और इंटू में बी, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है बेटा 40, और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए में क्या करेंगे कोफैक्टर्स को लिख लीजिए सीधा सीधा, ये 5 5 5, और क्या 3 माइनस 13, 3 माइनस 13 प्लस 11, और क्या है 9 1 9 1, और क्या बेटा आपका माइनस 5 का ट्रांसपोज, जबकि बी, बी की वैल्यू ऐसे लिख दीजिए, बी की वैल्यू क्या थी बेटा आपकी, आप देखिए 5 माइनस 4 और नीचे 3, अब इसका ट्रांसपोज लिख लीजिए बेटा आप इसमें अच्छे से, तो 1/40 आपका बाहर ही है, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे ना तो क्या आएगा 5 5 5, और जबकि ये कितना आएगा आपका बेटा 3 माइनस 13 और 11, और थर्ड रो ये थी तो इसका भी कॉलम बना दीजिए, ये आ गया, और सामने जो है वो है ही आपका 5 माइनस 4 और 3। अब बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इनकी, है ना, मल्टीप्लाई देखिएगा 5 5 20, और ये कितना बेटा 3 4 12, और 9 3 27। अब देखिए सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 5 5 25, माइनस माइनस प्लस 13 4 52, और प्लस का बेटा कितना 3। अब देखिएगा 5 5 25, 11 4 44, और 5 3 15,
तो अब देखिएगा मेरे बच्चों क्या आ रहा है आपका बेटा, 5 5 25 11 4 44 और 5 3 15। अब देखो जब गलत भी आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, जैसे मुझे भी पता चल गया कि यार कहीं गड़बड़ हुई है छोटी मोटी। देखिएगा कैसे पता चलता है, मैं बताता हूँ आपको। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल कैलकुलेशन आप ही की तरह। देखिए 25 और 27, 52 और इसमें से गए तो कितना बचा 40, बाहर 40 तो 40 से डिविजिबल चाहिए कुछ ना कुछ शायद। अब देखिएगा कितना 55 55 60 80 हो गया बेटा आपका। अब यहां पर आप अटकेंगे, देखिएगा 25 में से ये गया कितना बचा बेटा आपका, 25 में से 15 गया तो 10 और 10 और इसमें से गया तो माइनस का 34 आ रहा है। अब माइनस का 34 ना इससे कटेगा नहीं, तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर पीछे जाकर देखेंगे, बहुत अच्छी कैलकुलेशन आ रही है ध्यान से समझना। अब हम पीछे जाकर देखेंगे क्या गलत क्या हुआ है कैसे हुआ है, तो पता कैसे चलेगा, पूरा चेक नहीं करना पड़ेगा आपको, आपको पूरा चेक नहीं करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखेंगे आपको करना क्या है इस कंडीशन में कि भैया ये वाली में गड़बड़ आ रही है ना इस वाले में, तो इस वाले को मैंने क्या कर दिया, इस वाले को मैंने हाइड कर दिया, मैंने भाई इसको छुपा दिया, ठीक है कि भाई ये रहा मेरा, ठीक है ध्यान से देखना कि इसको जो है मैंने हाइड कर दिया कि अभी मुझे नहीं पता कि यार यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इसको हाइड किया, उसके बाद मैंने क्या किया इसको हाइड किया क्योंकि मुझे पता है कि इसी से आ रहा था ये, और ये वाला कौन सा वाला पोर्शन था मेरा, ये वाला पोर्शन था ये वाला, ठीक है इसको मैंने हाइड किया, और जब मैंने इसको हाइड किया इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से किसी ना किसी में गड़बड़ हुई है, तो इन वालों को मैं दोबारा निकालूंगा बेटा फटाफट, समझ गए ना जो तरीका बता रहा हूँ आपको अच्छे से, आप समझना बिल्कुल विद प्लानिंग कि भी क्या गड़बड़ हुई है, तो हम इसको देखेंगे। देखिए गड़बड़ वाले को मैंने अलग से कर लिया, तो A13 वाला क्या था हमारा ये था, तो क्या आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है और क्या है प्लस का 6 आ रहा है, तो माइनस 1, ठीक है एक मिनट बेटा कभी घबरा जाओ कि क्या हो रहा है। देखिएगा बच्चों क्या आ रहा है माइनस का 1, ठीक है इसको जब आपने हाइड किया किसके लिए, इसके लिए माइनस का 1 और प्लस का 6, तो कितना है बेटा आपका प्लस 5। ओके अभी वाले देखिएगा 2 3 2 3 में क्या होगा बेटा, ये वाला हाइड किया तो पहली बात तो बाहर माइनस है, तो ये वाला हाइड करूंगा तो कितना आ रहा है माइनस का 2 और कितना बेटा माइनस का 9, माइनस का 2 और माइनस का 9 तो कितना बेटा प्लस का 11। अब देखिएगा 3 3 वाले में तो माइनस का 4 कितना आ रहा है बेटा आपका, माइनस का 4 आ रहा है, देखिए इसको हाइड करके माइनस का 4 और माइनस का कितना आ रहा है बेटा आपका 3, तो कितना माइनस का 7 हुआ। अब आप इसको लिख दीजिए फटाफट यहाँ पर 5 11 माइनस 7, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 5 11 और माइनस 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करना बेटा दादा, 5 5 25 आ रहा है और 11 4 44 आ रहा है और बेटा 3 7 कितना आ रहा है बेटा 21। अब देखिएगा कितनी अच्छी कैलकुलेशन आई है, कितना बचा 4 4 माइनस हुआ तो कितना माइनस का 40। तो मेरे बच्चों बिल्कुल जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने ऐसे समझ लिया ना तो वहां पर अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हुई है तो बड़ी आसानी से आप उसको सवाल देंगे। तो किस तरह से मैं समझा रहा हूँ आपको, एक सही करके एक गलत करके, इसको बहुत अच्छे से समझना है बेटा प्लीज अपने, और इसलिए मैंने अलग अलग कलर से आपकी ना गलतियां कहाँ होती है कैसे होती है हमने समझ बनानी है। जब मैंने देखा मेरा ये वाला एलिमेंट गड़बड़ हो रहा था तो मैंने इस वाले एलिमेंट के लिए मैंने क्या किया, मैंने देखा ये वाला एलिमेंट किसकी हेल्प से आएगा, इसकी हेल्प से, और ये कहा ये रहा और ये कहां से आया था यहां से, और यहां से मतलब यहां से, तो मतलब इन वालों को चेक करना है, नो के नो को चेक नहीं करना पड़ेगा ना ही पूरा क्रॉस करके आपको दोबारा से करना पड़ेगा, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा इसको बहुत अच्छे से, आगे कुछ नहीं है इसमें, आगे क्या करना है हमने, आगे कुछ नहीं है भाई हमारा, हमें पता है कि इधर क्या था हमारा एक्स चल रहा था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स वाई जेड हो गया, और अब सामने क्या हो गया डिवाइड होकर, ये कितना आ रहा है 1, ये कितना आ रहा है 2, ये कितना आ रहा है माइनस का 1, तो एक्स इक्वल कितना हुआ 1, वाई इक्वल कितना बेटा आपका 2 और जेड इक्वल कितना आपका माइनस का 1, तो ये आपने अच्छे से फाइंड कर लिया, ठीक है ये आ गई है वैल्यू। अब आप इसको अगली चेक भी करेंगे एक इक्वेशन में रखिए, अगर मैं एक्स की जगह 1 रखूंगा 2 आ गया, वाई की जगह 2 रखूंगा 6, 6 और 2 कितना हुआ 8, और क्या आपका माइनस का 1 रखूंगा तो माइनस का 3, तो 8 में से 3 गया 5, बिल्कुल सही है एक्यूरेट आंसर। तो बेटा ध्यान से देखना इसकी जो पीडीएफ होगी इसको भी ढंग से देखना, अलग अलग कलर्स की हेल्प भी देखना, ठीक है जो समझाया है। अब ये क्वेश्चन कौन सा बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है बेटा, उसने ए इनवर्स निकालने को कहा है ये, और कह रहा है सॉल्व करके आप बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें बेटा ध्यान से, तो यहाँ पर भाई ए ए की वैल्यू है ना 2 - 3 - 5, हाँ जी 3 2 - 4, हाँ जी 1 1 - 2, ओके ये वही आपका
यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन है, उसने इक्वेशन दे रखी और ये उसने खुद ने निकाल के दे दिया और कह रहा है इनवर्स निकालो, तो इनवर्स तो हम वैसे भी निकालते ही निकालते ना, तो बस वही सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग इसमें नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा कि हम कैसे करेंगे इसको, तो वही ए वन वन निकालना बेटा, हमें ए वन वन हम कैसे निकालेंगे, प्लस आएगा बेटा आपका सीधा, तो कितना आ रहा है माइनस का फोर आ रहा है और ये बेटा प्लस का फोर आ रहा है इसकी इससे करके, तो क्या आ रहा है बेटा आपका जीरो आ रहा है और ए वन टू आपका आपको जब बाहर माइनस आएगा तो ए वन टू में बेटा माइनस इसका सिक्स आ रहा है प्लस का फोर आ रहा है, माइनस का सिक्स प्लस का फोर, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका ये माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, और ए वन थ्री आपका बेटा प्लस आएगा, तो आप देखिए इसको हाइड कर लिया तो थ्री माइनस टू, तो थ्री माइनस टू कितना आ रहा है बेटा आपका प्लस का वन आ रहा है। अब यहाँ पर बेटा ए टू वन तो बाहर माइनस आना है आपको पता है, ए टू वन में आपने हाइड कर लिया तो कितना आ रहा है सिक्स माइनस फाइव, तो सिक्स माइनस फाइव तो कितना होगा माइनस का वन आ जाएगा, और ए थ्री टू वो सॉरी ए टू टू क्या आएगा बेटा आपका ए टू टू, तो क्या आएगा बेटा माइनस का फोर आ रहा है बेटा आपका, माइनस का फोर माइनस का फाइव तो कितना माइनस का नाइन हो गया, और ए टू थ्री बेटा बाहर माइनस आना है आपको पता होना चाहिए, तो बाहर जब माइनस आएगा तो ये टू और माइनस माइनस प्लस थ्री बेटा, तो माइनस का फाइव आ रहा है। अब आप देखिएगा ए थ्री वन, तो ए थ्री वन में क्या आना है बेटा पूरे कंसंट्रेशन से देखिएगा, ए थ्री वन ये आपका कट हो गया तो थ्री फोर से ट्वेल्व आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा आपका ये ट्वेल्व ट्वेल्व और माइनस का टेन यानी कि कितना प्लस का टू आ रहा है, और ए थ्री टू आप देखिए बाहर माइनस लगाएंगे और थ्री टू में देखिए बेटा ये कट हो गया आपका ठीक है, तो ये कितना आएगा माइनस का एट और माइनस का फिफ्टीन, माइनस एट माइनस फिफ्टीन तो ये आ रहा है प्लस का ट्वेंटी थ्री, और ए थ्री थ्री आप देखिएगा प्लस में तो क्या आना है बेटा ए थ्री थ्री में ये कट तो फोर और माइनस माइनस प्लस नाइन, तो फोर प्लस नाइन तो कितना आ रहा है बच्चे आपका थर्टीन आ रहा है। अब आप इसमें क्या करेंगे बेटा डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट ए तो सीधा है टू की मल्टीप्लाई किससे होगी जीरो से, और प्लस लगाकर माइनस थ्री की मल्टीप्लाई किससे होनी है बेटा आपकी, माइनस थ्री की मल्टीप्लाई किससे होनी है टू से होनी है बेटा ठीक है, और आपको पता होना चाहिए फाइव, फाइव की मल्टीप्लाई किससे होनी है बेटा आपकी वन से होनी है, तो ये माइनस का सिक्स प्लस का फाइव तो माइनस का वन आ गया आपका। अब जब यहाँ तक आप कर लेते हैं तो उसके बाद क्या निकालते हैं बेटा आपको पता है एक्स इजिकल्स टू ए इनवर्स इंटू में बी, तो वन अपॉन डिटरमिनेंट ए और इंटू में बेटा आपका एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू में आपका बी, तो वन अपॉन डिटरमिनेंट ए तो ये आ गया आपका, और एडजॉइंट ए कितना आएगा आप देखिए सीधा सीधा ही लिख लीजिए जीरो टू और वन, और फिर क्या बेटा आपका माइनस वन माइनस नाइन माइनस फाइव, और क्या बेटा आपका टू और ट्वेंटी थ्री और ये आपका बेटा थर्टीन का होल डैश, और बी बी के लिए लिख दीजिए बेटा आप इसमें अलेवन माइनस फाइव और माइनस का थ्री है आपका, तो पहले ट्रांसपोज करेंगे बेटा इसमें, तो वन अपॉन माइनस वन आपने वैल्यू लिख दी, इसका ट्रांसपोज लिख रहे हैं तो क्या आएगा जीरो टू वन, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा बेटा माइनस वन माइनस नाइन और माइनस का फाइव, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो टू ट्वेंटी थ्री और कितना बेटा आपका थर्टीन, और बेटा जो था वही रहा आपका इलेवन माइनस फाइव और माइनस का थ्री। अब आप क्या करेंगे बेटा इसकी इंटू करेंगे, तो इंटू करने पर क्या होगा ध्यान से देखिएगा, इलेवन की जीरो हुई तो जीरो, और बेटा ये आपका प्लस का फाइव आ गया और ये माइनस का सिक्स आ गया बेटा। अब देखिएगा इसकी इससे करेंगे तो इलेवन टू जो ट्वेंटी टू और माइनस माइनस प्लस कितना आ रहा है बेटा आपका फोर्टी फाइव, और ट्वेंटी थ्री की थ्री से होगी तो कितना आएगा सिक्सटी नाइन, वो भी किसका बेटा माइनस का। अब देखिएगा वन इलेवन जो इलेवन और माइनस माइनस प्लस का ट्वेंटी फाइव और ये बेटा आपका थर्टीन थ्री था थर्टी नाइन, वो भी किसका माइनस का। अब आप क्या करने वाले हैं इसमें माइनस वन तो बाहर ही है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है माइनस का वन बेटा, और इसको देखो आप देखिएगा कितना आएगा फोर फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन, तो माइनस का फोर आ रहा है बेटा आपका ये ठीक है, माइनस का टू आ रहा है बल्कि कितना आ रहा है माइनस का टू। अब आप यहाँ देखिएगा बेटा ये कितना हुआ बेटा आपका थर्टी सिक्स, तो माइनस का थ्री आ रहा है और ये माइनस की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो माइनस से क्या होगा सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो इधर तो आ रहा है बेटा आपका एक्स वाई जेड और सामने आपका क्या आ रहा है मेरे बच्चों सामने क्या आ रहा है आपका वन टू थ्री, तो ये वैल्यू आ गई आपकी एक्स इक्वल वन वाई इक्वल टू और बेटा जेड इक्वल क्या है आपका थ्री आ गया। ये देखेंगे आप बड़े आराम से इसको पुट करके भी देखेंगे बेटा है ना वन टू थ्री, तो वन रखा आपने यहाँ पर तो ये टू आया, टू रखा तो माइनस का सिक्स आया, माइनस के सिक्स में से टू गया माइनस का फोर,
और ये थ्री रखा 15 में से बोल गया 11 सही है। तो आपको मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करा दी है बेटा, कितने आराम से कूल माइंड से करना है, ठीक है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और इसके लिए आराम से आपको 10 मिनट्स अवेलेबल होती है एग्जामिनेशन में, बोर्ड में, ठीक है। तो 10 मिनट्स के बजाय आप इसको बड़े आराम से 4 to 5 मिनट्स में बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से चेक करते हुए, ठीक है। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, तो ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन बनवा देता हूं आपको, ठीक है। क्या बेटा आपका था, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, ठीक है, 3 kg वीट और 2 kg राइस इज 60 रुपीज। आप समझ ही गए होंगे कि ऑनियन 1 kg ऑनियन कितने रुपए की मान लेंगे आप, X रुपीज की, और बेटा 1 kg वीट आपका Y रुपीज, और बेटा 1 kg राइस आपका Z रुपीज। तो क्या हो जाएगा आपका 4x और क्या बेटा आपका 3y और 2z और सामने कितना बेटा आपका 60। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन में क्या आता है बेटा, यहाँ पर देखिए 2 kg ऑनियन यानी कि 2x, 4 kg वीट तो 4y और 6 kg राइस तो 6z और एक कॉस्ट में कितना 90। आपको जो अलर्ट रहना है ना, वो अलर्ट ये रहना है, पहले उसने ऑनियन दिए फिर वीट फिर राइस। अब वो क्या करता है, फर्स्ट कंडीशन में तो ऑनियन वीट राइस दे दी, सेकंड में भी ऑनियन वीट राइस दे दी, और जब उसे घुमा कर देना होता है तो थर्ड वाले में सीक्वेंस चेंज कर देता है, ऑनियन वीट राइस की जगह ऑनियन राइस वीट कर देगा। और आपको आदत होती है एक्स वाई जेड, सीधा सीधा रट्टा मार के कर देते हो, तो देख के चलना है कि उसने दिया क्या है आपका, ठीक है। तो थर्ड वाली कंडीशन में भी ध्यान से देखेंगे क्या क्या, ऑनियन वीट और राइस तो सही है, अगर उसने सीधा सीधा दे रखे तो ठीक है बेटा। तो ऑनियन कितनी कही उसने 6 kg, तो 6x, और वीट उसने कितना बोला बेटा 2y, और जबकि राइस उसने कितना बोला बेटा 3z, और रिक्वेस्ट में कितना बेटा आपका 70। तो बच्चे मैं कई सारे करा चुका हूँ, ये आपका क्या हो गया होमवर्क, इसको आप अब सॉल्व कर लीजिए बेटा अच्छे से, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज खत्म, समझो आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो गए। अभी इसकी मिसलेनियस कराऊंगा, उसमें एक दो क्वेश्चन थोड़े से हटके हैं, ठीक है, तो वो कराऊंगा, उसी में एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दूंगा इसी टाइप का, इसी लेवल का, ठीक है। चलिए देखिए इसको कीजिए आप।